हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने पिछले कुछ दिनों से राजस्थान वन रक्षक भर्ती परीक्षा के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके बारे में हम लोग बातें करते हैं। इसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी सोल्व करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, चैनल पर आप अगर नए हैं तो ज्वाइन कर लो और अपने बिल्कुल आसानी से राजस्थान वन रक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ये इस वीडियो के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स के माइंड में बार बार आ रहे हैं और उन्हें इन प्रॉब्लम यानी कि इन समस्याओं से सामना भी करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही समस्याओं के निवारण के बारे में बताऊंगा, यानी कि ये ऐसी समस्याएं आ रही है तो आप क्या करें। देखो, आज की वीडियो में मेनली जो टॉपिक है वो क्या है, अब काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं, कई लड़के भी पूछ रहे हैं, कई लड़कियाँ पूछ रही हैं कि सर, हम यूपी और बिहार से हैं, ठीक है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या भर सकती हैं, ठीक है। वो पूछ रहे हैं क्या सर मैं फॉर्म भर सकता हूँ या भर सकती हूँ, ठीक है। तो पहले अपने इस पे फोकस करेंगे कि दूसरे राज्य जैसे आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि सर, EWS सर्टिफिकेट है मेरे पास तो क्या EWS का आरक्षण मिलेगा, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और पेमेंट प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है दोस्तों, स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैंने आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन रखे हैं मेनली, और ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी स्टूडेंट्स के साथ हो रहे हैं इन दिनों और सभी स्टूडेंट्स के माइंड में घूम रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हम दूसरे राज्य से हैं तो क्या आवेदन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या EWS का आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या EWS का आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर तीसरा है, आंखों पर चश्मा लगा है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, परीक्षा केंद्र कहाँ आएगा। पांचवा क्वेश्चन है, फीस कट चुकी है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा, मतलब फॉर्म सक्सेस नहीं हो रहा। तो इन सभी 5 क्वेश्चंस के आपको मैं जवाब दूंगा दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि हम दूसरे राज्य से हैं। जैसे मान लो कि कई बच्चों का क्वेश्चन है कि सर, हम दूसरे राज्य से हैं तो क्या आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आप बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे मैं आपको लिख के सुनाऊंगा तो अच्छा लगेगा आपको। देखो, आप चाहे यूपी से हैं, आप चाहे बिहार से हैं, आप चाहे हरियाणा से हैं, आप चाहे पंजाब से हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है, आप RSMSSB के अंदर यानी कि राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है उसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, जरूर बिल्कुल कर सकते हैं आप, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जैसे कि आज सुबह मेरे पास एक मेल आया था, ठीक है, उन्होंने ये पूछा था कि सर, हम यूपी से हैं तो क्या हम RFG यानी कि राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल यस, इसका 100% आंसर है यस, आप आवेदन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हो और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि हम दूसरे राज्य से हैं तो क्या आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आंसर है जी हाँ, बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हो, निश्चिंत रहिए, आवेदन कीजिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न, क्या EWS का आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब EWS क्या होता है वो आप देखिए। देखो, EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है, जिन्हें हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली यानी कि इकोनॉमिकली बोले तो इनकम जिनकी कम है और वो बिल्कुल वीक हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनका एक सर्टिफिकेट मिलता है दोस्तों, उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है EWS सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट। EWS का मतलब क्या होता है, EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है। अब आप में से काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन है कि सर, हमारे पास EWS का सर्टिफिकेट है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया होगा कि EWS क्या होता है। EWS दोस्तों उन लोगों के लिए होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनकी आय जो है बहुत कम है, ठीक है, यानी कि इनकम। तो EWS सर्टिफिकेट है मान लो जिसके पास, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर स्ट्रेंथ का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो अब बात आती है कि आरक्षण हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका हमें फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, कोई भी अगर वैकेंसी आती है उसके अंदर EWS के लिए 5% आरक्षण हमेशा फिक्स किया जाता है। कितना प्रतिशत दोस्तों, 5% आरक्षण, जी हाँ, 5% रजिस्ट्रेशन जो है आपका बिल्कुल आपको मिलेगा, 5% आपको क्या है उसके अंदर आपको छूट मिलेगी
किसके बेस पे आपको? EWS के बेस पे। बस शर्त यह है दोस्तों, आपके पास EWS का जो सर्टिफिकेट होता है, कागजी सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। उसकी कॉपी आपकी फॉर्म में लगेगी और अब EWS को जब आप भर दोगे फॉर्म, EWS का भरोगे, तो आपको 5% जो टोटल मार्क्स है उसका 5% आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर का पेपर है तो उसका 5% आपको, यानी कि 100 × 5/100 आपको पांच मार्क्स आपको जो है वो मिलेंगे। किसके मिलेंगे दोस्तों? EWS के मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका ये भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया है कि अब जिसके मन में भी ये डाउट है सर हमारे पास EWS सर्टिफिकेट है तो हमें क्या लाभ होगा, तो दोस्तों लाभ आपको ये होगा, आपको 5% मार्क्स आपको जो है कट ऑफ से ज्यादा मिल जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, वो किस लिए मिलेगा? क्योंकि केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट CG और स्टेट गवर्नमेंट SG दोनों ने ये प्रावधान किया हुआ है कि जो EWS के अंतर्गत आते हैं उन्हें 5% आरक्षण मुहैया कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, कौन सा कि क्या EWS का आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इसका क्वेश्चन है यस। कितना मिलेगा? 5% मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। समझ में आया दोस्तों? अगर फिर भी कोई डाउट आता है ना आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर भी होंगे, हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हो, जीमेल आईडी भी मैं आपको दूंगा, उस पर आप मेल भी मुझे कर सकते हो। आपके लिए 24/7 हेल्पलाइन उपलब्ध है दोस्तों, बस आप मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन, आंखों पर चश्मा लगाए तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? ये भी आज सुबह किसी ने पूछा था मुझसे कि सर हमारी आंखों पे स्पेक्स लगा है, गॉगल्स लगे, यानी कि चश्मा लगा है, तो दोस्तों क्या आप फॉर्म भर सकते हो? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यस आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 100% आप फॉर्म भर सकते हो। अगर यदि आपके चश्मा लगा हुआ है, मान लो नजर का चश्मा लगा हुआ है, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी क्या है, आई साइटनेस डिजीज है। ठीक है, आई साइटनेस डिजीज है, इसका कोई लेना देना नहीं है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो 100%। ठीक है दोस्तों, अब कई लोग पूछते हैं सर हमारी आई साइट 6x6 नहीं है, ठीक है, और हमारे चश्मा लगा हुआ है, तो क्या हम फॉर्म भरें? यस बिल्कुल आप भरो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आई साइट आपकी 6x6 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके चश्मा लगा हुआ है, नजर का कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भरिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए और अच्छे से अपना एग्जाम लिख के आइए। ठीक है दोस्तों, अब कई लोग ऐसे कहते हैं सर हमारी 6x6 आई साइड नहीं है, चश्मा तो नहीं लगा हुआ बट 6x6 आई साइड भी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हो फॉर्म। मतलब फाइनल आंसर है यस, 100% आप 100% जो है अपना फॉर्म आवेदन भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन जो काफी सारे बच्चों के मन में घूमता है, सर परीक्षा केंद्र कहाँ आएगा? दोस्तों देखो, परीक्षा केंद्र बोले तो एग्जाम सेंटर, अब आपके मन में है कि एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा? दोस्तों ये देखो, ये जो परीक्षा है वो किसके द्वारा ली जा रही है? RSMSSB के द्वारा ली जा रही है, ये एक बोर्ड है जो राजस्थान की सभी सरकारी परीक्षाओं को आयोजित करता है। ठीक है दोस्तों, तो RSMSSB के द्वारा ली जा रही है दोस्तों, ये ओनली राजस्थान सरकार का बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये ओनली राजस्थान सरकार का बोर्ड है, तो दोस्तों जब राजस्थान सरकार की जो वैकेंसी है वो राज्य स्तरीय वैकेंसी है, कौन सी स्तरीय वैकेंसी है दोस्तों? राज्य स्तरीय वैकेंसी है, और राज्य स्तरीय वैकेंसी के हमेशा पेपर इम्तिहान परीक्षा हमेशा इसी राज्य के अंदर ली जाती है, यानी कि राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार की, तो आपके जो पेपर है वो उसी राज्य यानी कि राजस्थान के अंदर ही लिए जाएंगे। हाँ, सेंटर अलग अलग हो सकता है, आपका जिला अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपका राज्य अलग नहीं होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपके ये पेपर ये हरियाणा में होंगे या दिल्ली में होंगे, नहीं दोस्तों, आपके पेपर राजस्थान के अंदर ही होंगे, राजस्थान के अंदर ही आपको सेंटर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा मैं बताऊँ किसका होता है? ऐसा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो ना, जैसे IAS वगैरह के जो पेपर है, ये जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर है, ठीक है, CRPF के जैसे पेपर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर है, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर सेंटर जो है वो ऑल इंडिया कहीं भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो आप भर रहे हो ना RFG राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड, ये राज्य सरकार की वैकेंसी है, तो आपका जो पेपर है वो राज्य के अंदर ही लिया जाएगा। मतलब निश्चिंत होकर रहिए, आपका जो पेपर है, आपका जो सेंटर है, वो राजस्थान के अंदर ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब जिले अलग अलग कैसे हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई भाई या बहन श्री गंगानगर से है, ठीक है, उसका सेंटर हो सकता है कि बाड़मेर दे दे, ठीक है, मतलब जिले चेंज कर दिए। क्या चेंज कर दिए दोस्तों? जिले चेंज कर दिए, हाँ राज्य चेंज नहीं हुआ है। गंगानगर भी राजस्थान का पार्ट है, जिला है, और बाड़मेर भी राजस्थान का जिला है, तो इस तरह से जिले चेंज कर सकते हैं दोस्तों पेपर की सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से। बाकी आपका जो सेंटर है वो निश्चिंत होकर रहिए, वो कहाँ आएगा परीक्षा के अंदर? वो आएगा आपका
आरजे राजस्थान के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। पांचवा डाउट जो आपके पेमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि सर फीस तो कट चुकी है, हमारे अकाउंट से पैसे तो कट चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक नहीं मिल रहा है हमें, या फिर जैसे एप्लीकेशन नंबर आपका रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आपकी फीस क्या है, कट चुकी है, आपकी जो फीस है वो आपकी कट हो गई है, मान लो आपके पैसे जो है वो कट हो गए हैं, तो आप फॉर्म को रीप्रिंट कीजिए। फॉर्म को क्या कीजिए, रीप्रिंट कीजिए। जब आप रीप्रिंट करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपकी फीस कट चुकी है ना, तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, अब आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई टेंशन और घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर हमारी पेमेंट नहीं कट रही है, पेमेंट नहीं कट रही है और अपलोड भी नहीं हो रही है, पेमेंट नहीं कट रही है। तो दोस्तों आप क्या करो, आप फॉर्म को अपडेट कर लो। ठीक है, और अपडेट करके आप उसको रीफिल कर लो, यानी कि आप उसको दोबारा भर लो। ठीक है दोस्तों, तो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, साइट के ऊपर अपडेशन की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है, जब आप फॉर्म को अपडेट कर लोगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी जो पेमेंट है वो कट जाएगी पूरी की पूरी, और आपका जो फॉर्म है वो आपको आपका फॉर्म जो है वो भरा जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आज पांच क्वेश्चन बहुत ही अहम क्वेश्चन थे, है ना। देखो ऐसी प्रॉब्लम आई थिंक सभी के साथ तो नहीं हो रही है, लेकिन आई थिंक 80% लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा भी दूं, है ना, ताकि आपकी डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। देखो अब मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, दूसरे राज्य से हो फॉर्म भर सकते हो, EWS का आरक्षण कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आंखों पर चश्मा लगाए तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा केंद्र कहाँ आएगा, राजस्थान के अंदर आएगा, क्योंकि ये राज्य सरकार की वैकेंसी है। फीस कट चुकी है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, या फिर आप रसीद कह सकते हो, रसीद नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म का आप रिप्रिंट कीजिए, रिप्रिंट करने के बाद आप उसको अपडेट कर लीजिए, अपडेट करने के बाद आप उसको प्रोसेसिंग और रीफिल कर लीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो अच्छी तरह सक्सेसफुली भरा जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपके पेमेंट भी कट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, ताकि सभी के पास ऐसी जरूरी आवश्यक इन्फॉर्मेशन हो। देखो दोस्तों, परीक्षा की तैयारी करना अलग बात है, लेकिन दोस्तों जब तक हमें हमारा आवेदन अच्छे से नहीं भरना आएगा, हमारा आवेदन अच्छे से भरा नहीं जाएगा, तो हमें परीक्षा की तैयारी करने का फायदा क्या है। मान लो आपने पूरे साल तैयारी की, लास्ट में आपका फॉर्म ही नहीं भरा गया, रिजेक्ट हो गया, तो उसका फिर फायदा क्या हुआ, है ना दोस्तों, अंधेरे में तीर चलाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों अगर फिर भी कोई शंका है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं दोस्तों, 24/7 आपके लिए कमेंट हेल्पलाइन भी उपलब्ध रहेगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिए वीडियोस पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सोल्व करा रहा हूं, ठीक है, वो भी आप सोल्व करते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो मैं आपको पास डालता रहूँगा। और राजस्थान प्लेलिस्ट नाम से राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर। जब आप चैनल को खोलोगे ना, जब आप चैनल पर जाओगे तो चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 ऐसा लिख के एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको फॉरेस्ट गार्ड की A to Z जितनी भी वीडियोस हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, चाहे वो सिलेबस की हो, चाहे वो फिजिकली क्राइटेरिया की हो, चाहे वो इंटरव्यू की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, वो सब की सब आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देख लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये था मेरा उद्देश्य है ताकि आप लोग इन सभी बातों को समझ पाएं और अपने फॉर्म के में कोई गलती ना करें। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, दोस्तों ऐसा ही प्यार बनाए रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।